तो आज मैं बताने वाला हूं आपको एक और किताब का रिव्यू। उसका नाम है जीपीएच प्रश्न बैंक। जी हाँ, मैं तो जीपीएच प्रश्न बैंक, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है एमपी के छात्रों के बीच में, क्योंकि तो ये आपको दिलाती है 100% सफलता। जी हाँ, मैं तो जिसने साल भर नहीं पढ़ा हो वो इस किताब को एक बार पढ़ ले तो आपको मिल जाती है पूरी पूरी सफलता की गारंटी। जी हाँ मित्रों, ये जो किताब है जो मैं आपको पढ़ाने बताने वाला हूँ, ये इंग्लिश की और ये 10th के छात्रों के लिए। तो जैसे ही आप किताब खोलते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पे ब्लूप्रिंट। जी हाँ मित्रों, पहले आपको मिलेगा ब्लूप्रिंट जिसमें बताया जाएगा कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, और 10th का जो इंग्लिश का एग्जाम है वो आएगा 75 मार्क्स का, जो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पर आने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम इस किताब को खोलेंगे तो आपको मिल जाते हैं यहाँ पर पैसेज की प्रैक्टिस। जी हाँ मित्रों, पैसेज की प्रैक्टिस, इससे पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें आपको पैसेज मिलते हैं और सेक्शन ए के अंदर आपको जो पैसेज मिलेगा उसमें पहला जो क्वेश्चन होगा वो उसमें होंगे 5 क्वेश्चन। जी मित्रों, 5 क्वेश्चन होंगे, और इनके अंदर भी आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे। इनके आंसर आपको स्वयं बना के लिखने होते हैं, क्योंकि सिनोनियम और एंटोनियम्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए आता है जिसमें मिलेंगे आपको पैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन पैसेज को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इनमें से कुछ पैसेज परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। जी हमें तो परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखिए इस किताब में क्या क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं, पैसेज के अंदर आपको ये कहीं भी गारंटी नहीं मिलती कि ये पैसेज आपको पेपर में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें इतने सारे पैसेज दिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इसे हल्के में ना लें दोस्तों, आप इन पैसेज को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से हो सकता है कि आपका एक पैसेज आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन बी मिलता है, सेक्शन बी में मिल जाते हैं आपको फॉर्मेट के साथ लेटर। जी हमें तो फॉर्मेट के साथ लेटर मिल जाएंगे, और इनमें बहुत सरल भाषा में जो है लेटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि सेक्शन बी इसको कहते हैं, इसमें लेटर्स मिल जाते हैं जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल स्कूल छिंदवाड़ा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल्स, SLC सर्टिफिकेट। अब देखिए मैं आपको 4 एप्लीकेशन बता देता हूँ जिनको आप अच्छे से रट लें, तो इन 4 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन आपको जरूर मिल सकती है एग्जाम में देखने को। जैसे कि सबसे पहले SLC बताता हूँ, SLC TC और CC। जी हाँ मैं तो SLC TC और CC एक ही एप्लीकेशन होती हैं जिन्हें आप बना कर लिख सकते हैं। ये वैसे भी यहाँ पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो है एप्लीकेशन दी गई है, इसे आप याद कर सकते हैं, जो पेज नंबर 11 पर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप SLC की एप्लीकेशन रख लीजिएगा, क्योंकि तो इनमें से एक एप्लीकेशन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। अगला जो एप्लीकेशन है वो आप याद कर सकते हैं, यहाँ पर जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो है एक 3 डेज सिक लीव की, जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 3 से 4 एप्लीकेशन जो हैं वो उनमें से एक एप्लीकेशन आपको जरूर देखने को मिलती है। एक एप्लीकेशन आ सकती है आपकी फुल फी कंसेशन की। जी हाँ मैं तो फुल फी कंसेशन, तो 1, 2 एंड 3, ये 3 एप्लीकेशंस आपको रट लेने हैं। इन्हीं एप्लीकेशन से आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, और साथ ही आप इनफॉर्मल लेटर भी कर सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो है एप्लीकेशन के अथवा में आएगा, जिसमें आपको 2 से 3 लेटर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लेटर रट लें, क्योंकि इन लेटर्स में से आपको एक लेटर जरूर देखने को मिलेगा। पहला लेटर है जिसमें मैरिज सेरेमनी के लिए अपने फ्रेंड को बुलाना है। दूसरा लेटर जो आप याद कर सकते हैं वो है अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए, उसके सफलता पर उसे लेटर लिखेंगे और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, तो दूसरा लेटर ये है। और तीसरा लेटर अपने पिताजी से पैसे मंगाने के लिए, 1,000 रुपये मंगाने के लिए एक लेटर आपको पूछा जाता है। तो 3 फॉर्मल और 3 से ज़्यादा एप्लीकेशन आपको याद करने होंगे अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो पेज नंबर 13 पर आपको मिल जाते हैं कुछ पिक्चर कंपोजिशन जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मित्रों, और ये आपको दिला सकते हैं अच्छे मार्क्स।
तो 75 वर्ड्स में आपको पिक्चर कंपोजिशन लिखना होता है। आप देखिए, आपको एक मैं छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ मित्रों, जिसे करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं इसके अंदर, जहाँ आपको पिक्चर कंपोजिशन में कुछ क्लूज भी दिए जाएंगे। जी हाँ, मैं तो क्लूज, और उन क्लूज का यूज करके आप एक अच्छा पिक्चर कंपोजिशन बना सकते हैं। और 5 से 6 लाइनें आपको हो सकता है पिक्चर में ही दे दी जाए, जैसे कि यहाँ पे दिए हैं कोविड-19 प्रिवेंशन में, या यहाँ पर एक पिक्चर कंपोजिशन दिया, इसके अंदर पत्तियों में बहुत कुछ लिखा है, ये सेव ट्री का या सेव फॉरेस्ट का पिक्चर पैराग्राफ लगता है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पिक्चर कंपोजिशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर एक और पैराग्राफ, एक आर्टिकल जो पिक्चर कंपोजिशन के पहले पूछा जाता है, ऐसे के अथवा में आता है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, कोविड-19। इससे पहले भी मैं आपको टॉपिक बनाकर बता चुका हूँ, आप चाहेंगे तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से आर्टिकल बनाना सीख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपको मिल जाती है ग्रामर की प्रैक्टिस। जी हाँ, मैं तो जैसे ही आप पेज नंबर 15 पर पहुँचेंगे, वहाँ आपको सेक्शन सी में ग्रामर मिल जाएगी, जहाँ पर ग्रामर में आपको अच्छे अच्छे एक्सरसाइज मिल जाएंगे, जिन एक्सरसाइज को करके आप अपने ग्रामर की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, और ये आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। 10 नंबर की ग्रामर आती है, 10 नंबर की ग्रामर फिलअप, 5 नंबर के और 5 नंबर के डुए जैकेट आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद टेक्स्ट बुक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, जो सीबीएसई एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एमसीक्यूज आप इसमें से रट ले रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें दिए गए हैं, ये पढ़कर आप जो है एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल एंड टाइम। जितने साल भर कुछ नहीं पढ़ा हो, वो इस किताब को पढ़े और नंबर ले ले। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते तो यहाँ पे एमसीक्यू सारे एग्जाम्स में दिए गए हैं, और एक 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 चैप्टर के एमसीक्यू आपको यहाँ मिल जाते हैं, जो आपके एग्जाम में आपको सफलता दिला सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे आपको मिलेंगे पेज नंबर 32 पर, पेज नंबर 32 पर क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट राइट के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर रखने हैं तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, जहां आप चैप्टर अपने याद कर सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट आपको मैं बिल्कुल दूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं आपको दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिलाएंगे सफलता। तो सबसे पहले आप इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर लर्न कर लें, इसके बाद 75 वर्ड्स में आपको ये प्रोज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें अ लेटर टू गॉड, 75 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आते हैं। पेज नंबर 42 में आपको ये 75 वर्ड्स में साधारण भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप 75 वर्ड्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं प्रोज के, वो कर सकते हैं 42 पेज पर। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट फ्लाइट का पोएट्री के क्वेश्चन, जैसे जस्ट ऑफ स्नो, अमांडा, फायर एंड आइस, ये सारे पोएम के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं। इसमें बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सफलता दिला सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन, फुटप्रिंट के जो क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, इन्हें आप लर्न कर सकते हैं और मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट और बहुत कम मात्रा में। आगे से बढ़ेंगे तो फुटप्रिंट के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे 52 पेज पर। 52 पेज पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर 52 पेज पर जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर मिल जाएंगे, जिसमें आपके अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ ऑफ अ थीफ स्टोरी आदि चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस